नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। दिल्ली में 9वीं और 11वीं के बच्चों का स्कूल जाना फिर से शुरू हो गया है। कोरोना संकट के कारण पिछले साल स्कूल बंद रहे और अब स्कूलों को खोला जा रहा है। फिलहाल विद्यालय में छात्र छात्राएं मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास के लोगों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी। वहीं राजस्थान के दौसा शहर में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में 1 लाख किसानों को बुलाने का दावा किया गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। AIMIM इस महीने बंगाल के 4 शहरों में 4 अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे आज मंजूरी मिल सकती है। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोलने का प्रस्ताव। सेलिब्रिटी मैनेजर रेहाला फर्नीचर वाला और बिजनेसमैन करण सजनानी को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल एनसीबी पूछताछ में जुटी। दिल्ली के सरिता विहार में देर रात स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें आरोपी घायल हो गया। एनकाउंटर के दौरान 7 राउंड फायरिंग हुई है। जिस बदमाश के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, वो कई राज्यों में ATM उखाड़कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुए बवाल में क्राइम ब्रांच ने हजारों वीडियो देखने के और जांच करने के बाद 25 तस्वीरें तैयार की हैं, जिसमें आरोपियों को साफ देखा जा सकता है, जिसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बिहार के दरभंगा में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। आगरा में ताजगंज पुलिस और विशेष क्राइम टीम ने चेकिंग के दौरान 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 28 तमंचे, 3 पिस्टल, 24 कारतूस किए जब्त। गुरदासपुर जिले में भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिक को जवानों ने पकड़ लिया। यह पाकिस्तानी करीब 1 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा में घुसाया था। हरदोई में 15 जनवरी की शाम से लापता बच्चे का शव गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर गड्ढे में मिला। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की। अमृतसर में PCR के एक ASI की कार्बाइन से अचानक चली गोली लगने से घटनास्थल पर ही उस शख्स की मौत हो गई। गोली मंजीत सिंह की छाती से आर पार हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पानीपत में पुलिस ने मुर्गी फार्म में चलाई जा रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके पर भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान सहित 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। पानीपत में अंतिम वर्ष के छात्र ने परीक्षा में असफल होने पर जीवन लीला समाप्त कर ली। चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने टाई से फंदे लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के पास पंजाब नंबर की तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार चालक की तलाश शुरू की। पलवल में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर सपा नेता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट की और फरार हुए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुरानी रंजिश में रिश्ते के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने इनके हाथ पैर बांधकर शवों को 3 किलोमीटर दूर अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। सिंगर हर्षदीप ने सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉट करते हुए फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर फैंस के साथ शेयर की। आवासीय इमारत में अवैध निर्माण को लेकर BMC नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता सोनू सूद ने अपनी याचिका वापस ली। उनके वकील ने कोर्ट को बताया सोनू ने BMC के सामने अपना पक्ष विस्तार रूप से रखा। दिल्ली सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है, जिसके बाद एक इवेंट में सवाल पूछे जाने पर सलमान खान ने कहा कि बिल्कुल मैं इस बारे में बात करूंगा, जरूर करूंगा, जो भी सही है वो जरूर होना चाहिए, जो ठीक है वह होना चाहिए, सही चीजें होनी चाहिए सबके साथ। भारत में चल रहे किसान आंदोलन अपने चरम पर है, इसे लेकर विदेशी सेलेब्स भी अब बात करना शुरू कर चुके हैं। अक्षय के इस ट्वीट के बाद पंजाबी सिंगर जैजी बी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैजी बी ने अक्षय कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, वाजीवा भाई, अब ट्वीट कर रहे हो तुम सिंगिस किंग नहीं हो सकते, क्योंकि असली किंग तो धरने पर बैठे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया। मैच शुरू होने से पहले शहबाज नदीम को अंतिम 11 में शामिल किया।
फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।